अपने भड़काव और विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले उन्नाव के बीजेपी सांसद डॉक्टर साक्षी महाराज ने आज फिर अपने बेबाक बयानों से हमला कर विपक्षियों पर निशाना साधा। आज उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कासगंज हिंसा को लेकर कहा कि उन्हें बहुत साजिश की भू नजर आती है कि योजनात्मक तरीके से मोदी और मोदी के योगी को बदनाम करने के लिए दंगे कराए गए हैं, वरना भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान में रहने वाले को किसको ऐतराज हो सकता है। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर साक्षी महाराज ने कहा कि ये पाकिस्तान सारे विश्व में नंगा हो गया है, वो आतंकवाद की फैक्ट्री है, वहाँ आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, जो कितने इकट्ठे क्यों ना हो, भारत इस स्थिति में भी ईंट का जवाब पत्थर से देगा। पेश है उन्नाव के संवाददाता सबान मलिक की खास रिपोर्ट। वो आतंकवाद की फैक्ट्री है, वहाँ आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, तो कितने इकट्ठे क्यों ना हो, भारत इस स्थिति में है कि ईंट का जवाब पत्थर से देगा, एक के बदले में दस मारेगा, शुरुआत वो करें उत्तर हम देंगे। लगता है जो भी होगा तत्काल, राजनाथ सिंह जी बहुत समझदार हैं, मोदी जी का कोई जवाब नहीं है, जब जब पाकिस्तान ने बदतमीजी करने का प्रयास किया है तब तक ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है, वो करें बदतमीजी, सही जवाब उनको दिया जाएगा।